लगे, क्रिया करने लगे, जहरा आई कहा बाबा क्या मेरे बच्चे में कोई कमी है जो आप रो रहे हैं। तो रसूल ने फरमाया है मेरी बेटी एक वक्त आएगा जिसे करबला के मैदान में तीन दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। जहरा ने तड़प कर कहा क्या बाबा आप होंगे जब मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। उन्होंने कहा है फातिमा तुम भी नहीं रहोगे क्या हसन रहेंगे। कहा नहीं मेरे बेटे पे मेरे लाल पे कौन रोने वाला होगा। रसूल ने यही तो जुमला कहा था कि मेरी फातिमा है मेरी लाडली खुदाए कौम को पैदा करेगा जिनकी औरतें हमारी औरतों से रोएंगी जिनके बच्चे हमारे बच्चों से रोएंगे जिनके जवान हमारे जवानों पे रोएंगे आजादारों ने सैयद शोहदा। ये ना रसूल का कौल है ये रसूल की बात है। ये जहरा ने फरमाया था नाना जब मेरे गम में सैयद शोहदा के मेरे लाल के गम में जो रोने वाले होंगे उन्हें क्या आप इनायत करेंगे। रसूल ने कहा मैं शाबिये महसर हूँ जितने भी हुसैन के आजादार हैं उनके गुनाहों को मैं माफ कराऊंगा। जहरा ने कहा अली आप क्या करेंगे मैं साकिये कौसर हूँ जो भी हौजे कौसर में आएगा मैं उसे सैराब करूंगा। हसन ने कहा अम्मा मैं जन्नत का सरदार हूँ। आजादारों सैयदा ने एक मरतबा कहा कि मेरी फातिमा कहने लगी आजादार ने सैयद शोहदा ऐ हुसैन के गम में रोने वाला सैयदा ने वादा कर रही है मैं जन्नत के दरवाजे पे बैठ जाऊंगी जब तक कोई भी कहेगा आजादार जन्नत में नहीं जाऊंगा नहीं। अजादारो शायद मेरे जुमले इतने हयात हमसे वफा करे ना करे जिंदगी रहे या ना रहे। अजादारो ने गिरानी आज एक रिवायत है कि लुटा हुआ काफिला करबला से मदीना पहुंच रहा है। जैनब हुसैन को खोकर मदीना जा रही है। कहीं जैनब के दिल से पूछिए मदीना किस तरह दाखिल होगी। अजादारो मदीने के दीवार नजर आने लगे। सैयद सज्जाद से कहती है जैनब कुमरा ऐसा सज्जाद मदीने में हम नहीं जा पाएंगे यही कहने नजर कर दो अरे किसी मदीने में मुनादी दिला दिया जाए। अजादारो बशीर जसलम को बुलाया गया ऐ बशीर जाओ मदीने में ऐलान कर दो ये हुसैन का काफिला लुटा हुआ है। बशीर कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं या अहला असरा ला मकाम लकुमा ऐ मदीने के रहने वालों आज मदीना रहने के लायक रहे। हुसैन का गला भी शहीद कर दिए गए हुसैन का लुटा हुआ काफिला मदीने के बाद। अजादारो अहले मदीना ने जुमले सुना सरोजीना बीते हुए मदीने के बाहर चल पड़े। अजादारो मोहम्मद अलविया जब सुना हुसैन मारे गए दौड़ते हुए आए काबिले ने आवाज देने लगे मेरा सज्जाद कहाँ है मेरा एक मदीना कहाँ है जान जवान मदीना का देखा एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ है जिसके बाल सफेद हो गए दाढ़ी के बाल सफेद हो कमर खमीदा हो गई है। एक बार सब आगे बढ़े अरे आगे बढ़ के कहा मेरा सज्जाद कहा है चौथे माँ ने कहा चचा रबिया भैया हो आगे बढ़े सीधे से लगाया अरे चचा ने सैयद चचा ने कहा है चचा रबिया जरा हिस्सा से लगाना जरा हिस्सा से जीने से लगाना। अरे एक बार जब मोहम्मद अलविया कहते हैं अरे मेरे भतीजे इतने साल के बाद इतने दिन के बाद तुम्हें देखा तुझे चाह रहा था तुम्हें जीने से लगा तुम मुझे मना कर रहे हो अरे चाचा अरे मेरे गर्दन में खारदार दाग है अरे चाचा मेरे बाजुओं में मेरे हाथों बात करिया थी जो सीने से लगाते हैं मेरा दिल अरे टुकने लगता है उसके असर से मैं तड़पने लगता हूँ। एक बार दबा देखा अरे तुम तो मेरे जान जवान बाकी ही थे अरे सैयद सज्जाद तुम तो 2220 साल का सिंह था ये बुढ़ापा कैसा है सज्जाद तड़प गए। अरे मोहम्मद अरबिया आपने सुना था तेरे बाबा हुसैन मारे गए बीवियों के सरों से चादरें थी
दी गए। ऐसा था मैं देख रहा था मेरे मम्मियों के दरों से चादर सी दी गए। ऐसा था मैं देख रहा था मेरे बाबा के गले पे मंजर चला। ऐसा था मैं देख रहा था मेरी माए बहने बेमहना चादर दरबारों में जा रही थी, बाजारों में जा रही थी। अरे बागी कह के किताब के साथ अरे ऐलान किया जा रहा था, अरे ये रसूल की नवासिया है, ये अली वो फातिमा की बेटी है। वाह हुसैन।